जी दोस्तों, तो इस वक्त हम हड़प्पा जो म्यूज़ियम है उसके अंदर वाली साइड पर मौजूद हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है ना पंजाब में, जो ख़त्म होती जा रही है, पंजाब से जो ना बोर्ड जो है ना वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आपने अक्सर गानों में सुना होगा कि ना जायो परदेस उत्थे नहीं मां लभनी, अपने पिंड दे बोर्डां जई नहीं छां लभनी। यानी कि बोर्ड के दरख्त को जो है ना वो माँ से जो है ना वो कंसीव किया जाता है। और बोर्ड का जो दरख्त है इसके पत्ते आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसके जो फल होता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। इसमें यानी कि माँ के दूध की ताकत जो होती है ना वो बोर्ड में वो ताकत पाई जाती है। और अक्सर हकीम हजरात, डॉक्टर, मेडिकल वाले जो लोग हैं वो इसके बोर्ड के जो है दूध से दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं। और पूरे बोर्ड का हम व्यू भी कराते हैं। और इस वक्त ये जो ये देख रहे हैं ना आप, ऊपर से बोर्ड से जो नीचे ये इसकी दाढ़ी नीचे आ रही है, ये दाढ़ी से नीचे आया हुआ, ये देखें, ये दिखाएं जरा इनको, ये दाढ़ी से नीचे आया हुआ और ये पूरा का पूरा दरख्त बन गया हुआ। और इसके बारे में हमें जो है ना सही जो जानकारी, यहाँ के जो हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बहुत अच्छे दोस्त जो हैं अहमद नवाज़ साहब जो हैं, वो अपना डिस्कस करेंगे बोर्ड के बारे में, क्योंकि हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको इस बोर्ड के वाले से। वैसे भी वो पंजाब के हैं और पंजाब को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। जी अहमद साहब आएँ ज़रा। बहुत शुक्रिया साहब जी। कैसे हैं अहमद नवाज़ साहब जो है ना, डायरेक्टर हैं यहाँ पे, और अभी हम बात करेंगे जी बोर्ड के हवाले से। आप बात कर रहे थे ये कितना पुराना दरख्त है? ये चिश्ती साहब तकरीबन 120-130 साल की इसकी उम्र है, क्योंकि जब यहाँ पे खुदाइयाँ हो रही थी उस वक्त ये दरख्त यहाँ पे मौजूद था। तस्वीरों में हमने इसको देखा है, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे कह रहे हैं 200 साल 250 साल, ये बॉटनी डिपार्टमेंट ज़रा बेहतर जानते हैं, लेकिन हम जिस चीज़ को हमने पक्की कन्फर्म बात है वो यही है। बाकी ये पूरा जी इको सिस्टम है, और हमें बड़ी खुशी है, बल्कि जी मेरा दिल करता है जैसे आपने पंजाबी के लफ्ज़ बोले कि मैं आपसे पंजाबी में बात करूं। बाकी नहीं, असं पंजाबी गल कर सकते हैं, क्योंकि साड़ी अपनी माँ बोली जबान पंजाबी है। तो यह सर है तकरीबन ना एक पूरे इको सिस्टम कह सकते जी जी। सुबह वक्त जिस फजर वक्त असि मोस्टली ज्यादा ये परिंदे की आवाज़ा ना उठते हैं। हाँ बिल्कुल, सारा ही तादाद परिंदे अल्लाह तला की हमदो सुना करते हैं जी जी। तो इतने अं देखना कि मुख्तलिफ तरह का परिंदा आता है जी जी। तो आज अं तजर्बा किया, जी दाढ़ी है ना थले गमला बना के ना जी जी, वो दाढ़ी में लगाई है तो पूरा पिलर बन गया। तुम देख लो हर जगह तीन बना, बिल्कुल, असं यदि उम्र वा सके अगली आने वाली दसों। अच्छा, तुम चूंकि अपना आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट थोड़ा है, तो तुम अपना इस डिपार्टमेंट को जोड़ा बहुत ज़्यादा करीब तो समझते हो, ये थोड़ा एक्सपीरियंस है या वाई बी जी है माँ प्यो को विरासत में चीज़ा मिली, किस तरह यानी कि तुम्हें इन्होंने चीज़ों अडोप्ट किया? सर देखो ना जी कि देखो जी पंजाब, क्योंकि साड़ी जी अज की यूथ है उन्होंने तो नॉलेज ही नहीं गया। सही फरमाया जी चिश्ती साहब कि हम तुम गल पंजाबी है, तो पंजाबियों की रैतल के एक चीज़ आ जाती कि जनाब वाई बी जी तो तकरीबन छोटे होंगे इस महकमे तो आने तो पहले अंदर पानी भी लाते रहे, जनाब गोडिया भी करते रहे, ठीक हो गया। तो बोर्डा दस साढ़े नाल एक दरबार हों सखीरा चक है 47 जी जी। तो तुम कितने गुजरो तो काफ़ी ज़्यादा बोर्ड लगे है, तो उत्थे असं गुजरना ना कि किसी ने लिखा हों कि शायद कायनात शायद अभी नामुकम्मल है जी जी। गलत मतलब क्या रही है सदाए दम दम सदाए कुन फाया कुन कुन फाया कुन, उत्थे बोर्ड लगे होने तो बोर्ड देखना जनाब छोटे होंगे तो देखते आए। फिर ये देखे तो अपने सीनियर को पूछे सर जी ये की हिस्ट्री की हैगी, जिस टाइम इतने खुदाइया 1921 तो लैके 1934 तक हड़प्पे जो खुदाइया हुई जी जी, उदो यह बोर्ड मौजूद सगा जी जी। वो फिर जो असं इतने साढ़े पोस्टिंग तो असं वेखिया कि बोर्ड हैगा, फिर है गया तजर्बा देखा जी दाढ़ी लगा के इधर मजीद उम्र बढ़ाती गई। हाँ मजीद इतने आके शाम कितने आओ ना तो तुम दिखाइए परिंदे हजारों की तादाद वापस भी इतने आने, तो पूरा जो मीटिंग नहीं शाम में होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर है समझ लो कि उन्होंने इस इलाके का एक हेड ऑफिस है जिते परिंदे आ गए इकट्ठे होंगे ने, क्योंकि वड्डा दरख्त है और ज्यादा परिंदे इकट्ठे इतने रह सकते। जिदा तुम गल की ना कि पंजाबियों की रैतल के बोर्ड का बड़ा वड्डा करदा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये साडे जो पेंडू कल्चर जिन्हें असं फखर ना कहने उस कल्चर का हिस्सा है, ये उस कल्चर की शान है कि तुम कितने भी पिंड चले जाओ, छोड़ो मेरी गल बहुत फलाना पिंड फलाना पिंड, जिथे थोड़ा बोर्ड होगा उसे पूरा एक पिंड पूरे बैठे थोड़े। हाँ बिल्कुल, यानी कि तुम अगर कुछ साल पिछले कुछ साल की ज़्यादा साल पिछले चले जाओ तो अक्सर जोड़ा लोग है वो पिंड के जोड़े बोर्ड होंगे ना थले, इतों तक जड़िया जंजा वगैरह आदि सर बोर्डों के थले पंचायत उठे होंगे बोर्डों के, ये बोर्ड का दरख्त जोड़ा है एड्डा मुफीद यानी कि अपनी जिंदगी दे रहा है। मुआशी लिहाज में भी देखे जाता, लेकिन मुआशरती लिहाज में लोगों मिल बैठने का एक जरिया से। हाँ बिल्कुल जरिया से, असं थोड़े बड़े शुक्रगुजार हाँ उभारी हैं थोड़े कि तुम यह चीज़ों उभार के लोगों को दस दौ ताकि आने वाली नस्लों कम अज़ कम इन्होंने बार जो पता लगे कि कल ना कोई कह सके यार सानू किसी ने दसिया नहीं। हाँ बिल्कुल, लो जी साड़ी जी यूथ है पंजाब की क्यों लगे मुल्क के जिन्हें भी लोग ने जो सा माँ बोली पंजाबी समझते हैं उन्होंने अगर सा बेनती है कि अपने अपने इलाके दरख्त जरूर लाओ, पर दरख्तों के नाल
बोर्ड का दरख्त जरूर लाओ, इस वास्ते लाओ कि बोर्ड का दरख्त एक जिस तरह माँ को प्यार मिलता बोर्ड को भी उन्ना ही प्यार मिलता, नहीं तो कभी बोर्ड की छावें आके बह के देख लेना तो फील होएगा वाकई माँ का प्यार है। तो दोस्तों तुहानूं साडा वीलॉग किस तरह का लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, तो वध तो वध दोस्तों नूं शेयर करो, तो फिर मिलांगे तुहानूं किसी नवें वीलॉग नाल। अल्लाह हाफिज़।